हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जो साथ में बेल का आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें। और जो लोग मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं, प्लीज़ वीडियो को वॉच करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आपके हेयर्स में जो स्प्लिट एंड होते हैं उनको हम कैसे हटा सकते हैं। स्प्लिट एंड आपको पता है कि दो मुंहे बालों की मैं बात कर रही हूँ। बालों की बॉटम में, हेयर्स के बॉटम में दो मुंहे बाल आ जाते हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे पूरे हेयर्स में ही दो मुंहे बाल आ सकते हैं। तो इसकी मैं कुछ आपको होम रेमेडीज़ बताऊंगी। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत से लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी। तो इसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं स्प्लिट एंड सी। एक तो क्लाइमेट चेंज या फिर वेदर चेंज। अगर हम किसी और जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें हमारा पानी चेंज हो जाता है, उसके साथ हम हेयर वॉश करते हैं, वेदर चेंज हो जाता है, इसकी वजह से स्प्लिट एंड होते हैं, इसका खतरा ज़्यादा होता है। तो आपने इस टाइम में क्या करना है, आपने सीरम या कंडीशनर अपने साथ रखें, उसको यूज़ कीजिए अगर आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है या वाटर चेंज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपने क्या करना है, आपने रात को एक चम्मच वैसलीन और कुछ बूंदे ग्लिसरीन की लगा के डेली अपने बालों पे लगानी है। वैसलीन पेट्रोलियम जेली होती है और ग्लिसरीन। सेकंड, आपने एक मास्क बनाना है। मास्क आपने कैसे बनाना है, आपने एक एग लेना है। एग में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं। हमारे बालों के जब प्रोटीन्स ख़त्म हो जाते हैं तो ही हमारे बालों की में जो प्रॉब्लम्स हैं शुरू होती हैं, क्योंकि जो हमारे बाल हैं, हमारा जो एक बाल होता है वो प्रोटीन से ही बनता है। तो उसमें आपने एग में आपने हनी ऐड करना है। हनी जो है आपके बालों को शाइन देता है, स्मूथ करता है, प्लस उसमें आपने ऑलिव ऑयल डालना है। तो मैंने आपको दो रेमेडीज़ बताई हैं, नंबर एक पे वैसलीन और ग्लिसरीन की, एक मैंने हेयर मास्क आपको बताया है, एग, हनी और ऑलिव ऑयल का ये हेयर मास्क है। ये दोनों मेथड्स आपने यूज़ करने हैं, थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करने पड़ेंगे आपको, ताकि जो आपके हेयर्स हैं, जो दो मुँहे हो गए हैं, स्प्लिट एंड्स हो गए हैं, वो रुक जाएं। तो एक तो मैंने आपको भी इसकी कारण बताए थे कि एक तो क्लाइमेट चेंज या वाटर चेंज की वजह से ऐसा होता है। दूसरा क्या होता है कि हम जब धूप में जाते हैं, धूप की वजह से भी हमारे बाल ख़राब हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं। हम ऐसे ही धूप में खुले छोड़ के बाहर फिरते रहते हैं। तो आप जब भी बाहर जाएँ, धूप में जाएँ, तो अपने हेड को कवर करके जाएँ, हमेशा बालों को कवर करके जाएँ, ऐसे खुले में मत जाएँ, बालों को खोल के धूप में मत घूमें आप, बालों के ऊपर कोई स्काफ व स्टॉल वगैरह लेके रखें। नंबर थ्री, इसका रीज़न हो सकता है कि हम वैसे तो केयर करते हैं बालों की, लेकिन प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं। हमें अपनी डाइट भी प्रॉपर लेनी चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, जितना हमें पच सके उतना ही पानी पीना चाहिए, और फ्रूट, वेजिटेबल्स और दालों का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, कि दालों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, उससे हमारा ब्लड जो है बढ़ता है। और नंबर फोर का, इसका क्या रीज़न हो सकता है फ्रेंड्स, हमें ना ज़्यादा गर्म चीज़ें, हॉट चीज़ें बालों पे नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। आजकल हम क्या करते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं तो बालों पे आयरनिंग करते हैं, ब्लो ड्रायर करते हैं, रिवॉन्डिंग कराते हैं, कलर कराते हैं। कलर भी आप रिवॉन्डिंग कलर बार बार मत करवाएं, ठीक है, ये भी हमारे बालों को डैमेज करते हैं। और अपने बालों पे आयरन, ब्लो ड्रायर बार बार मत यूज़ करें। अगर कभी कभी यूज़ करें, अगर वो करना है तो मार्केट में हीट प्रोटेक्टर मिलता है, पहले आप हीट प्रोटेक्टर लगाएं, उसके बाद उसको थोड़ी देर छोड़ के देन आप बालों पे आयरनिंग करें या फिर जो भी आपने ब्लो ड्रायर वगैरह, कर्लिंग वगैरह करनी है वो करें। हाँ, ब्लो ड्रायर, आयरनिंग और कर्ल रॉड का यूज़ ज़्यादा मत करें हेयर्स पे, ये हेयर्स को डैमेज करता है। कभी फंक्शन है या पार्टी है तो कर लें, लेकिन वो हीट प्रोटेक्टर लगा के करें, डेली आप उसको अवॉइड करें, डेली मत लगाएं उसको। और हाँ फ्रेंड्स, कभी भी हम सर्दियों में हमें गर्म पानी के साथ बाल नहीं धोने हैं, हेड वॉश नहीं करना है गर्म पानी के साथ। पानी को हमेशा गुनगुना रखें, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंडा, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म। ये सब मैंने जो आपको बताया है, ये हमारे हेयर्स को डैमेज करती हैं। तो एंड में हमारे जो हेयर्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा डेड हो जाती है। तो इससे पहले ही कि हम लोग ये होम रेमेडीज़ यूज़ करें, इनको अपने डेली रूटीन में फॉलो करें, तो एंड में जब तो बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, कल मिलेंगे, बाय बाय।